हेलो फ्रेंड्स, एमएम फूड एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सबका पसंदीदा रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है जेन चीज़ कॉर्न बॉल्स। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए जेन चीज़ कॉर्न बॉल बनाना शुरू करते हैं। तो हमें दो बॉइल्ड कच्चे केले चाहिए, हाफ कप बॉइल्ड मकाई लिए जिसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है, हाफ कप बॉइल्ड मकाई, मैंने यहाँ पे हाफ कप चीज़ लिया है, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, 1/4 कप बारीक कटे हुए हरी शिमला मिर्च, 1/3 कप पोहा जिसे मैंने 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था, 1/4 कप बारीक कटी हुई धनिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून नमक। तो सबसे पहले हमें केले को इस तरह से मैश कर लेना है, आप चाहो तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये बराबर से मैश हो गए हैं, अब हम इसमें पीसी हुई मकाई डालेंगे, उबली हुई मकाई डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें पोहा डालना है, आप चाहो तो इसमें पोहा के बदले आप कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अब हमें चीज डालना है, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। मैं इसमें होममेड मोज़रेला चीज डाल रही हूँ जिसकी रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब हमें इसमें बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डालना है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हमें बाकी के सारे बॉल्स बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स बना लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है जिसमें हमें 3 टेबलस्पून जितना पानी डालना है और इसकी एक पतली सी पेस्ट बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं, इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है। तो हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार है। तो अब हमें बॉल को लेना है जिसे हमें कॉर्नफ्लावर की पेस्ट में डालना है और बाद में इसे ब्रेड क्रम्स में डालना है और अच्छे से कोट कर लेना है। अगर आप ब्रेड इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर की पेस्ट में भी डाल के तल सकते हो, इससे सिर्फ बाहर का क्रंचीनेस आता है। और अगर आप कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप इसी तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली मैदे की पेस्ट भी लगा सकते हो इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स को अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट कर लिया है, अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो हमें तेल को हाई फ्लेम पे गरम होने के लिए रखना है। तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसकी फ्लेम को मीडियम करेंगे और बॉल्स को इसमें डाल देंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से कच्चे ही रहेंगे, और अगर लो फ्लेम पे तलेंगे तो इसमें तेल भर जाएगा, इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही तले गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप देख सकते हो कि गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं,
तो अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। अब हमें इसी तरह से बाकी के सारे बॉल्स को भी तल लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स को तल लिया है, तो हमारे जेन चीज कॉर्न बॉल्स तैयार है। आप देख सकते हो कि इसका कलर भी कितना बढ़िया है। तो अब हम इसे दूसरी प्लेट में ले लेंगे। मैं आपको एक बॉल तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि कितने चीज़ें दिख रहे हैं और इसका टेस्ट भी सच्ची बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बनाने के बाद वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें।